नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चमत्कारी टोटके पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं काला धागा शरीर में बांधने के कुछ चमत्कारी फायदे, और इसे जानने के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने इस तरीके से काले धागे को बांध लिया तो आपको भी कई सारे चमत्कारी फायदे होंगे। दोस्तों, अगर आप वैष्णो माता के दरबार गए होंगे तो आपको पता होगा कि माता के दरबार में कुछ किलोमीटर दूर ही भैरवनाथ का मंदिर है, जहां काले रंग का धागा चढ़ाया जाता है। तीर्थयात्री इस धागे को भैरवनाथ को चढ़ाकर अपने साथ ले जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसे पैरों में बांधने से पैरों का दर्द दूर हो जाता है, इसे कलाई में बांधने से दुर्घटना से बचाव होता है और नज़र नहीं लगती है। इसी तरह टोने टोटकों में भी काले धागे का प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि काले धागे में नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करने की क्षमता होती है। दरअसल काले धागे को लेकर ना सिर्फ धार्मिक मान्यता है, बल्कि इसका ज्योतिषीय और वैज्ञानिक महत्व भी है। काला धागा बांधने के पीछे जो वैज्ञानिक कारण है वो हम पहले आपको बताते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये 5 तत्व हैं पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। इससे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचलन करती है। इससे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। जब किसी की बुरी नज़र हमें लगती है तब इन 5 तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुँच पाती, इसलिए गले में काला धागा बांधा जाता है। दरअसल कुछ लोग काले धागे में भगवान के लॉकेट को भी धारण करते हैं, इसे बेहद शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काले धागे का संबंध शनि से है। इसके अलावा यह राहु केतु के अशुभ प्रभाव को भी कम करने में सहायक होता है। राहु केतु को ज्योतिष शास्त्र में ऊपरी चक्कर और नजर लगने का कारण माना जाता है। अभिमंत्रित किया हुआ काला धागा या शनिवार को शनि देव की पूजा में इस्तेमाल काले धागे को कलाई में बांधने या गले में धारण करने से नज़र दोष से बचाव होता है। काले धागे को धारण करने के बाद शनि देव का मंत्र कम से कम 21 बार पढ़ना चाहिए। दोस्तों, काले धागे को 9 गांठे बांधने के बाद ही धारण करना चाहिए। काले धागे को मंत्रोच्चारण करने के साथ ही पहनना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि काले धागे को किसी शुभ मुहूर्त में, जैसे अभिजीत या ब्रह्म मुहूर्त में पहनना चाहिए। अपने गोचर और दशा के आधार पर मंत्र का जाप करना चाहिए। काले धागे को 2, 4, 6 या 8 के घेरे में बांधना चाहिए। जिस हाथ में काला धागा बांधा हो उस हाथ में किसी और रंग, जैसे लाल या पीले रंग का धागा नहीं बांधना होगा। काले धागे को शनिवार के दिन बांधना अच्छा माना जाता है। काला रंग शनि ग्रह का प्रतीक है, इसीलिए काले धागे को कुंडली के अनुकूल ग्रहों की दशा, प्रतिकूल ग्रहों के दोष के निवारण के समय ही करवाना चाहिए। दोस्तों, काले धागे का महत्व बिना रुद्र गायत्री मंत्र के कुछ भी नहीं है, इसलिए काला धागा बांधने के बाद प्रतिदिन इसका पाठ करना चाहिए। ओम तत्व पुरुषाय विधीयः महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदया। पाठ करने के लिए एक समय निर्धारित कर लेना चाहिए और रोज उसी समय पर पाठ करना चाहिए। इससे काले धागे का प्रभाव बढ़ेगा। काले धागे को नींबू के साथ आप घर के दरवाजे पर भी बांध सकते हैं। इससे घर में बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं। ऐसा माना जाता है कि काले धागे को अगर पूरी श्रद्धा के साथ बांधा जाए तो जीवन में भी किसी तरह की परेशानियां नहीं आती हैं और रुके हुए काम भी पूर्ण हो जाते हैं। शनिवार के दिन काले धागे को हनुमान जी के पैरों का सिंदूर लगाकर गले में धारण करने से मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है। जिन बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उनको काला धागा पहनना बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों, काला धागा सीधे हाथ की कलाई में बांधने से शरीर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। लाख प्रयास के बाद भी ना बनने वाले काम बनने लगते हैं और सफलता के 9 दरवाजे भी खुल जाते हैं। दोस्तों, काला धागा नज़र से तो बचाता ही है, साथ ही इससे जुड़ा एक उपाय आपको मालामाल भी बना सकता है। आप बाजार से रेशमी या सूती काला धागा ले आएं और किसी भी मंगलवार या शनिवार की शाम को यह काला धागा हनुमान जी के मंदिर ले जाएं।
इस धागे में छोटी छोटी 9 गांठें लगा ले और हनुमान जी के पैरों का सिंदूर लगा ले। अब इस धागे को घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दे या तिजोरी पर बांध दे। सिर्फ एक छोटे से उपाय से आप जल्दी मालामाल बन सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की अपार वृद्धि होगी। शनिवार को जब किसी की बुरी नजर से बचने के लिए काला धागा धारण करें तो वह ओम शनहे नमः का जाप करते हुए 9 गांठें बांध दें। दोस्तों, इसी तरह की और जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल चमत्कारी टोटके के साथ। धन्यवाद।